I didn't come here to tell you how this is going to end. I came here to tell you how it's going to begin. अस्सलाम वालेकुम जी, आज की अपनी नई वीडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसे मसले, मसाइल और प्रॉब्लम्स के बारे में बताऊंगा जिनका सामना आपको तरक्की आने के बाद करना पड़ सकता है। आपने घबराना नहीं है, क्योंकि आपको जो भी प्रॉब्लम्स बताई जाएंगी उनको हल करने का तरीका भी इसी वीडियो में बताया जाएगा। और वीडियो के एंड पे मैं आपको एक ऐसा खास टिप दूंगा जिसके जरिए आप अपने तरक्की के टूर के दौरान कुछ पैसे भी कमा सकते हैं। तो वीडियो एंड तक देखना, आपका फायदा होगा। आज हम जिस प्रॉब्लम के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं वो है मोबाइल फोन प्रॉब्लम्स इन तुर्की। तुर्की में आपके मोबाइल फोन की सर्विस बंद की जा सकती है। वो लोग जो तुर्की सिर्फ घूमने फिरने आना चाहते हैं उनको ये मसला नहीं आएगा, लेकिन वो लोग जो तुर्की में रहना शुरू कर देते हैं और अपने मुल्क वापस नहीं जाते, 3-4 महीने के बाद उन लोगों के फोन का नेटवर्क बंद हो जाता है। चाहे वो तुर्की में स्टूडेंट है या फिर रेजिडेंस परमिट पर है या चाहे उसके पास वर्क परमिट भी है, इन सब को मोबाइल फोन की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। तुर्किश लॉ के मुताबिक हर गैर मुल्की या फॉरेनर के लिए जरूरी है कि 4 महीने गुजरने के बाद वो तुर्की में अपना फोन रजिस्टर जरूर करवाए, और अगर कोई फॉरेनर अपना फोन रजिस्टर नहीं करवाता तो फोन की सर्विसेज बंद हो जाती हैं। इसी तरह आपका तुर्किश फोन नंबर या तुर्किश सिम कार्ड भी 3 महीने के बाद काम करना बंद कर देता है। दिस कैन बी अ वेरी बिग प्रॉब्लम। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि इस मसले को हल कैसे किया जा सकता है। मोबाइल फोन की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के 2-3 तरीके हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट सॉल्यूशन नंबर 1। सबसे आसान तरीका तो ये है कि जब आप तुर्की हैं तो यहाँ से कोई फोन खरीद लें। इससे ना तो आपको रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी और ना ही आपका फोन बंद होगा। Check out my new phone. Oh. ये सुनने में तो बहुत ही इजी तरीका लगता है, लेकिन तुर्की में फोन और इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हैं और आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि आप फोन के ऊपर बिला वजह का एक्स्ट्रा खर्चा करें। यहाँ पर तो एक आम फोन का कवर या पाउच भी 30-40 तुर्किश लिरा से कम का नहीं मिलता। तो बेहतर यही है कि आप अपने मुल्क से अपना फोन साथ लेकर आए और तुर्की में आकर रजिस्टर करा लें। इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई भी जरूरी सामान जैसे चार्जर, हैंड फ्री, पावर बैंक, ये सब आप अपने मुल्क से अपने साथ लेकर आए, क्योंकि तुर्की में इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ज्यादा महंगी है। यहाँ पर आईफोन और सैमसंग जैसे फोन खरीदने लिए आपको अपनी किडनीज भी बेचनी पड़ सकती हैं। तूने आईफोन 7 कैसे ले लिया? एक किडनी में आ गया। तो अब मैं आपको बताता हूं कि आप तुर्की में अपना फोन कैसे रजिस्टर करा सकते हैं। तुर्की में फोन रजिस्टर कराने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है और इस प्रोसेस में तकरीबन आपके 1500 से 1800 तुर्किश लिरा तक लगेंगे। सबसे पहले आपको अपने फोन का IMEI नंबर मालूम करना होता है, जिसको हम इंटरनेशनल इक्विपमेंट आइडेंटिटी नंबर कहते हैं। IMEI नंबर लेकर आप अपने करीबी टैक्स ऑफिस में जाते हैं, वहां पर जाकर थोड़ा सा टैक्स पे करते हैं और उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इसके बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप खुद भी ऑनलाइन वेबसाइट पर फिल करके सबमिट करा सकते हैं, या फिर आपका करीबी टेलीकॉम ऑफिस जहां से आपने सिम कार्ड लिया था उनसे भी हेल्प ले सकते हैं। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं उस वेबसाइट का लिंक दे दूंगा जहां पर आप फॉर्म खुद इजीली फिल करके सबमिट करा सकते हैं। अब मैं आपको लास्ट सॉल्यूशन बताता हूं, जिसको हम चोर रास्ता कहते हैं। यहाँ पर तुर्की में बहुत सारे लोग 2 नंबर तरीके से अपना फोन ओपन करा लेते हैं और याशी करते हैं। दिस वे इज नोन एज दी हैकर्स वे। तुर्की की मोबाइल मार्केट्स में आपको बहुत सारे मोबाइल शॉप्स वाले मिलेंगे जो आपसे 100-150 तुर्किश लिरा लेंगे और आपका फोन अनलॉक कर देंगे। 3-4 महीने फोन सही चलता रहता है और उसके बाद फिर बंद हो जाता है। तो दोबारा आप उसी शॉप वाले के पास जाते हैं, उसको फिर 100-150 तुर्किश लिरा देते हैं और वो दोबारा आपका फोन अनलॉक कर देता है, और ये साइकिल इस तरह चलता रहता है। In my opinion, you should register your phone according to the Turkish registration law, ताकि जब आप तुर्की में रहना शुरू कर दें तो आपको फोन की कोई प्रॉब्लम्स ना फेस करनी पड़े। He did it. You were able to successfully register. और वैसे अंदर की बात यह है कि मैंने भी 2 नंबर तरीके से अपना फोन अनलॉक कराया था और वो अभी तक सही चल रहा है। बिकॉज आई लाइक द हैकर्स वे, और हैकर्स का एक फेमस कोट है, रूल्स आर मेड टू बी ब्रोकन। अब मैं आपको एक बोनस टिप देता हूं जिसके जरिए आप तुर्की में शायद काफी पैसे कमा सकें।
टिप ये है कि जब आप अपने मुल्क से तुर्की आ रहे हो तो अपने साथ इलेक्ट्रॉनिक्स का एक्स्ट्रा सामान लेते हैं। मिसाल के तौर पर प्लेन में एक बंदा मैक्सिमम 2 लैपटॉप्स कैरी कर सकता है, तो एक आप अपना पर्सनल लैपटॉप ले आएँ और एक एक्स्ट्रा लैपटॉप लाकर तुर्की में बेच दें। वो एक लैपटॉप बेच कर ही आप काफ़ी पैसा कमा सकते हैं, स्पेशली वो लोग जो अरब कंट्री से आ रहे हैं जैसे दुबई या सऊदी अरेबिया, वहाँ तो इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ही ज़्यादा सस्ती है। तो यू कैन इमेजिन कि आप अपने तुर्की के ट्रिप में कुछ पैसे भी कमा सकते हैं। Do you all know where I can find the airport? The airport? Oh no, I almost hit your dog. I'm sorry. तो उम्मीद है आज की वीडियो से आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, तो प्लीज़ लाइक इट एंड शेयर विद अदर्स। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, क्योंकि वहाँ पर आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने ज़ीनस स्टाइल की डिटेल्स भी दी हैं जहाँ पर आप ऑनलाइन कपड़े खरीद सकते हैं। तो इनका फेसबुक पेज भी आप विजिट करें और इनको इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। और हाँ, जाने से पहले पूरी दुनिया में मचाओ अपनी कामयाबी का शोर, और अगर कोई तुम्हें रोके तो उसे कहना खामोश। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर, शोर आउट।